अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, रोमानिया में कंपनी मैं खोलने जा रहा हूँ, उसके में दो चार रुकावटें आ रही हैं, दुआ करें वो क्लियर हो तो जल्द अज जल्द मैं कंपनी खोलूँ। उससे ये होगा कि मुझे दो चार वर्क परमिट निकलवाने की इजाज़त होगी, क्योंकि मैं एक कंपनी खोल रहा हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कंपनी किस तरह मैंने खोलने का इरादा किया, कैसे खोली और इसमें क्या क्या चीज़ें आप भी ख्याल रख सकती हैं। सबसे पहले मैं ओएलएक्स पे गया। ओएलएक्स पे एक कंपनी थी जीन्स और शर्ट्स की, वो अपनी फ्रेंचाइज सेल कर रही थी, मतलब उनके पास एक दुकान थी, वो दूसरी दुकान सेल कर रहे थे। तो मैंने उनसे रابطہ किया, जो भी उनका एजेंट था उनका व्हाट्सएप से رابطہ किया, उनसे पूछा कि यार आप कंपनी क्यों दे रहे हैं। सारी मैंने फ्रेमवर्क ले लिया। उन्होंने कहा जी आपको 7,000 यूरो इन्वेस्ट करना पड़ेंगे, वहाँ रोमानिया में रेंट पे जगह लेनी पड़ेगी, तो बाकी आपको हम एवरीथिंग प्रोवाइड करेंगे। अच्छी खासी बात चल ही रही थी, तो उसे मैंने शो करा दिया कि आई एम नॉट अ नेटिव, मतलब मैं रोमानियन लैकिव नेटिव नहीं हूँ। तो उसने कहा कोशिश करो कि मुझे वो बंदा दो जो रोमानियन नेटिव हो, मतलब काम इन्वेस्ट मैं ही करूँगा लेकिन बातचीत वो करेगा, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वो करेगा, क्योंकि उसे हर लॉ का पता होगा। तो यहाँ बात रुकी हुई है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि अब मैं फ्रेंचाइज ख़रीद रहा हूँ। तो इसमें 14 लाख में आप 16-16 लाख का रोमानिया का वीज़ा लेके आओगे, 14-14 लाख में इधर कंपनी खुल रही है। तो कोशिश करें आप कंपनी डायरेक्ट ना खोलें, पहले 6-7 महीने काम करें दिल लगा के, फिर चीज़ें समझ लें यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ कैसे कंपनी काम करती है, पहले समझ लें। फिर अगर आप जाते साथ ही कर लेंगे तो मेरा ही नहीं ख्याल ये आपके लिए कामयाब होगा। बाकी दो चार ग्रुप्स में वॉइस नोट्स हैं, वो कंपनी खोलने का इरादा रखते हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कंपनी किस तरह प्रॉपर, मतलब क्या नाम है, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली आपको हर डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा, जिस तरह मैंने वीज़े की दिखाई, तो जिससे आपको मसला नहीं होगा।